गाइस, कैसे हो आप लोग? वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एमजी एस्टर के फीचर्स के बारे में। लास्ट टाइम मैंने आपको गाड़ी का ओवरव्यू और टेस्ट ड्राइव रिव्यू दिखाया था मैंने आपको। इस बार मैं आपको बताऊंगा कि उसके फीचर्स के बारे में, क्योंकि उस टाइम पे वो टेस्ट ड्राइव की कार थी तो उस पर ज़्यादा टाइम तो मुझे मिला नहीं उस पर वीडियो बनाने के लिए। तो जितना शूट कर सकता उतना उस दिन कर दिया मैंने। आज मैं आपको इसके फीचर्स के बारे में बताऊंगा। बहुत सारे फीचर्स है और इतने सारे फीचर्स है एक वीडियो में एक्सप्लेन कर भी नहीं पाता मैं। वीडियो अबाउट 20-30 मिनट्स तक चले जाता है, इतने सारे फीचर्स है कार में। तो मैं आज आपको एक एक करके सारे मेन मेन फीचर्स ही बताऊंगा, जो कॉमन है वो सब चीज़ें नहीं बताऊंगा। जो अलग है कुछ हटके, उस बारे में मैं आपको डिटेल में सब कुछ बताऊंगा कैसे काम करता है वो। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो को शुरू करने के पहले मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या इसमें फीचर्स है उसके बारे में। तो सबसे पहली चीज़ मैं इस बारे में बात करना चाहूँगा, जिसमें वो एक रोबो लगा हुआ है कार के डैशबोर्ड पे, जो मैंने आपको बताया था वीडियो में, जिसको हम कमांड करके म्यूज़िक कंट्रोल कर सकते हैं, सनरूफ कंट्रोल कर सकते हैं उसके बारे में। तो वो एक्चुअली वो रोबो कैसा है कि उसमें बहुत सारे फीचर्स है। अगर कोई फेस्टिवल है तो वो आपको ग्रीड करेगा, फिर वहाँ में अगर आपको जोक्स सुनना है तो आप उसको कमांड कर सकते हो, आपको जोक्स भी सुनाएगा। प्लस बहुत सारे फीचर्स है, न्यूज़ और ये सब चीज़ें के बारे में भी वो अपडेट करते रहेगा आपको। तो वो एक बहुत अलग फीचर था। मोस्टली हर कार में नॉर्मल वॉइस असिस्टेंट होता है जो फिजिकल ऐसा दिखता नहीं है, उसमें जो ऐसा है कि उसके जो एनिमेशंस है वो इतने इंटरेक्टिव है ना, वो आपको बहुत अच्छा लगेगा। उसके एक्सप्रेशंस आते हैं आँखों के, फेस का जो होना चाहिए वो सब दिखता होता है, बहुत सुपर्ब लगता है वो देखने के लिए भी और फ्यूचरिस्टिक है। सेकेंड हम बात करेंगे ऑटोनोमस लेवल 2। ये कार में ऑटोनोमस लेवल 2 है और इसमें बहुत सारे कैटेगरीज आते हैं, अलग अलग चीज़ें हैं इसमें इंक्लूडेड की गई है, जैसे कि इसमें लेन असिस्ट है, फिर रेयर ड्राइविंग असिस्ट है, बहुत सारे फीचर्स हैं। मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कैसे क्या क्या काम करता है। तो जो आएगा ऑटोनोमस लेवल 2 में वो आएगा लेन फंक्शंस। तो ये कैसे काम करता है कि अगर समझो आप ड्राइव कर रहे हो और अचानक में थोड़ा डिसबैलेंस हो जाए, मतलब आपका लेन में से आप हट चुके हो और मतलब चलाते चलाते अगर कभी कभी नींद लग जाती है फटीग होने की वजह से, लॉन्ग ड्राइव की वजह से, अगर आप गलती से भी अगर आप स्टेयरिंग हटा देते हो लेन के बाहर चले जाती है, तो ऑटोमेटिकली वो आपको रेडियस में लेके, मतलब लेन में लेके आएगा कार को। ये एक मेन फीचर है। फिर सेकेंड आता है रेयर ड्राइविंग असिस्ट करके है। अभी आपको पता होगा आप पैरेलल पार्किंग में जब पार्क करते हो तो जब आपको रिवर्स में पीछे लेना होता है कार को तो आपको पता नहीं होता है कि पीछे के साइड लेफ्ट राइट से कोई गाड़ी आ रही है या नहीं आ रही है। तो ये क्या आपको सजेस्ट करेगा, जैसे आप रिवर्स में लोगे पीछे रडार लगे हुए हैं और आगे भी रडार्स लगे हुए कार में, तो पीछे का रडार उसको डिटेक्ट कर लेगा और आपको इंटीमेट कर देगा कि लेफ्ट या राइट से कोई कार आ रही है, जो आपका ब्लाइंड स्पॉट होता है वहाँ से आ रहा है कि नहीं वो आपको इंडिकेट करके बता देगा। तो ये भी एक बहुत अच्छा फीचर है। और एक थर्ड फीचर इसमें ये है ऑटोनोमस में, आपको मिरर्स जो साइड मिरर्स होते हैं उस पर एक लाइट आता है, वो आपको आएगा ब्लाइंड स्पॉट के लिए आता है वो। अगर आप ड्राइव कर रहे हो हाईवे पे हो और पीछे से कोई कार आ रही है और वो आपके ब्लाइंड स्पॉट में फॉल करती है, अगर आपको नहीं दिख रहा है वो कार, तो वो लाइट आपको इंडिकेट करके बता देगा कि आपके ब्लाइंड स्पॉट में कोई कार है, आप उसको जाने दो या फिर आप ओवरटेक कर लो उसको, तो वो आपको एक इंडिकेशन दे देगा। तो ये एक बहुत अच्छा फीचर था इसमें। फिर एक आता है एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल। क्रूज कंट्रोल तो आपने बहुत देखे होंगे, इसमें कुछ अलग है। अगर आप ड्राइव कर रहे हो, अगर आपने सम फॉर एग्जांपल 60-70 के स्पीड में आपने अपना क्रूज कंट्रोल सेट कर दिया, आपके आगे कोई कार चल रही है, अगर वो स्लो डाउन करती है तो ऑटोमेटिकली आपका भी स्पीड कम हो जाएगा ताकि कोई कोलिजन ना हो जाए इसमें। तो इस वजह से वो एक फीचर इसमें बहुत अच्छा है। अगर अचानक से कोई सामने ऑब्जेक्ट आ जाता है या फिर कोई ह्यूमन बीइंग आ जाता है, पेडेस्ट्रियन आ जाता है, तो ये ऑटोमेटिकली उसको ब्रेक अप्लाई कर देगा, गाड़ी को स्लो डाउन करेगा, आपको इंटीमेट कर देगा। ये सारी चीज़ें बहुत आज के टाइम पे तो बहुत इम्पोर्टेंट, आपको तो पता ही होगा कि रोड्स पे कैसे लोग चलते फिरते हैं और गाड़ियाँ कैसे चलते हैं, और ये तो इंडिया में बहुत ज़रूरी था। फिर आता है स्पीड असिस्ट सिस्टम। अब ये कैसा होता है, आपको पता होगा कि हाईवेज पे आपने साइन बोर्ड देखोगे कि स्पीड लिमिट्स के साइन बोर्ड्स होते हैं, तो इसमें ये डिटेक्ट कर लेगा वो स्पीड लिमिट्स को और ऑटोमेटिकली आपकी कार वो स्पीड लिमिट पे लेके आ जाएगा। अगर आपने वो ऑन करके रखा है तो ऑटोमेटिकली अगर 50 का साइन बोर्ड है तो आगे कैमरा होता है डैशबोर्ड पे, अपना विंड स्क्रीन पे, तो वो डिटेक्ट कर लेगा, वो स्पीड सेंस कर लेगा, अपना ट्रैक कर लेगा और ऑटोमेटिकली आपका कार का
अगर आप हाई स्पीड पे हो तो उसको रिड्यूस कर देगा, अगर आप लोअर स्पीड पे तो उसको इंक्रीज करके वो सेट कर देगा स्पीड में। और बाकी तो फीचर्स आपको पता है जो नॉर्मली होते हैं, एयरबैग्स होते हैं, फिर हिल असिस्ट कंट्रोल्स और ये सब चीज़ें होते हैं, तो वो सब तो ऑलमोस्ट आजकल हर कार में आ रहा है, तो उसके बारे में तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं, आपको पता ही होगा उस चीज़ के बारे में। अगर आपको वो सारे फीचर्स के बारे में भी जानना है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसके PDF का लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से PDF एक्सेस करके आप चेक कर सकते हो कि उसमें और क्या क्या फीचर्स है, खास करके ऑटोनोमस लेवल 2 के लिए बनाया था, और साथ ही साथ इसमें और क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं उसके बारे में बताना था। तो ये रियल लाइफ चीज़ों में बहुत काम आने वाली है और होपफुली अभी मेरे ख्याल से हर गाड़ियों में आएगा। अभी महिंद्रा ने भी XUV 700 में भी है, बहुत सारे फीचर्स है, ऑलमोस्ट सेम ही है, तो अभी बहुत सारी चीज़ें अपग्रेड हो रही है, टेक्नोलॉजी आ रही है, तो ये बहुत हेल्प करेगा आगे सेफ ड्राइव करने के लिए भी, और लोगों के लिए भी सेफ रहेगा और ड्राइवर के लिए भी सेफ होगा। तो ये सब चीज़ें आज के टाइम पे तो ज़रूरी है, तो और टेक्नोलॉजी तो बहुत आगे बढ़ रही है, तो बहुत अच्छा भी लग रहा है, बहुत सारे फीचर्स आ रहे हैं। अभी देखते हैं अभी धीरे धीरे और क्या क्या आ रहे हैं। अभी टेस्ला भी आने वाली है, सुनने में आ तो रहा है, अभी वो कब आएगी कोई आइडिया नहीं उसके बारे में, तो अभी तो कुछ बोल नहीं सकते, और आएगी भी तो अभी मुझे नहीं लगता कि वो खरीदेगा, क्योंकि उसी वो रेट में खरीदने से बेटर है लोग टाटा ये सब चीज़ों में जाए। MG ने भी इलेक्ट्रिक कार निकाला है, Hyundai की इलेक्ट्रिक कार है, ये सब चीपर ऑप्शन है, लोग उसमें जाएंगे ना कि टेस्ला में जाएंगे। हाँ तो अफोर्ड कर सकते हैं वो तो वो ही लेगा, बट नॉर्मली तो मेरे को लगता नहीं है कि कुछ इतना ज़्यादा इम्पैक्ट लाएगा वो, जितना टाटाज और यही सब मार्केट खा के बैठ गया। अभी तो कोई नहीं है, अभी यही चलेंगे टाटाज, और हो सके तो देखो इलेक्ट्रिक कार के भी अपने बेनिफिट्स होते हैं और फीचर्स में भी होते हैं उनमें। तो इलेक्ट्रिक कार के लिए मैं अलग से आपको एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको इलेक्ट्रिक कार्स के बारे में और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ है, मैं आई बटन में डाल दूंगा, इस वीडियो को लिंक डाल दूंगा, तो आप जाके चेक कर सकते हो उस वीडियो को। और भी इलेक्ट्रिक अभी मैंने कुछ टेस्ट ड्राइव्स लिए, मैं प्लान कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक 2-व्हीलर लेने का, तो उसके लिए भी भाग दौड़ चालू है अभी, तो कुछ वीडियोस बनाए मैंने, तो वो भी मैं आपसे शेयर कर लूँगा बहुत जल्द। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और कुछ सजेशन हो कुछ कंटेंट के रिगार्डिंग, राइड्स के रिगार्डिंग, तो मुझे ज़रूर बताइएगा, तो उसके ऊपर मैं वीडियोस बना सकूँ और आपको और थोड़े डिटेल्स में चीज़ें एक्सप्लेन कर पाऊँ। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, और यही था आज के वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, राइड हार्ड, राइड सेफ, बाय बाय।